नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का इन खबर बिहार में। बिहार में जाति आधारित गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया था। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने आदेश दिया था कि मामले को शुक्रवार की वाद सूची से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यह जिक्र किया गया था कि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण डेटा जारी किया था। महात्मा गांधी की जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया। बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिहार में जाति जनगणना का विरोध किया है। इससे पहले इसी 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि बिहार की सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, ऐसे में इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर यानी आज की तारीख तय की। याचिकाकर्ता के मुताबिक बिहार सरकार ने पहले सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही थी, लेकिन 2 अक्टूबर को इसे प्रकाशित कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि राज्य में कुल 13 करोड़ से अधिक आबादी में ऊंची जातियां 15.52% है। इन्हीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर बिहार पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।